अगर किसी को आपने ये एक्सप्लेन करना है कि दैट पर्सन इज बीइंग इमोशनली अब्यूजिव टुवर्ड्स यू, क्योंकि इमोशनल अब्यूज हमारी सोसाइटी में शायद वो अब्यूज है जो कि लोगों की समझ में नहीं आता. मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. लेकिन आपको ये भी पता है कि आगे वाला अच्छा इंसान है एंड ही विल वर्क ऑन दीज थिंग्स. लेकिन उनको ये, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हेयर दैट कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम द पर्सन जो शायद सेल्फ लव और सेल्फ केयर के लिए मैंने क्वेश्चन किया था. उसका रीजन ये है कि इवन अगर मैं किसी और को भी बताती हूँ दैट माई हस्बैंड डज नॉट कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी वजह से शायद मैंने अपनी केयर करना छोड़ दिया है. बट ही कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द फूड कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है. मतलब एक इंसान अगर उस पर कॉम्प्लीमेंट पास कर सकता है, आई डोंट नो, शायद मैं ओवरथिंक करती हूँ जो कि मुझे हमेशा सुनने को मिलता है. ये वाली चीज मुझे नहीं समझ आती कि अगर ठीक है इट्स ओके इफ ही इज नॉट डूइंग इट, हाउ टू स्टार्ट दैट. जैसे मुझे ये बताया, मैंने क्वेश्चन किया था तो डॉक्टर कमल ने ये बताया कि आप सुबह उठे हैं तैयार हो, लेकिन अगर वो करने का भी दिल नहीं चाह रहा. आई ट्राई रियली हार्ड, हालांकि मैं जॉब करती हूँ लेकिन मैं जिस हुलिये में जाती हूँ वो सिर्फ एक हुलिया इस तरह होता है कि जाहिर है प्रेजेंटेबल लगना है, उससे कम आप लग नहीं सकते कि कपड़े लाजमी आपने चेंज करने हैं. बट आई डोंट इवन पुट ऑन लिपस्टिक, कुछ भी नहीं करने का दिल चाह रहा होता. तो हाउ टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. एक्चुअली अपने आप से मोहब्बत करना हमें सबसे मुश्किल काम लगता है, इसलिए कि हमें बताया गया है कि अपना आप तो जिसे कहते हैं ना खाक होना चाहिए, इसको तकब्बुर समझा जाता है। अल्लाह ताला ने हमें यही कहा है कि ये सब कुछ हमारे पास अमानत है और हम इसकी कदर करें। अपनी कदर जो इंसान नहीं करता तो वो फिर बाहर भी किसी को नहीं दे पाता। जैसे अपने फ़ोन की बैटरी डेड होती है तो आप किसी और को क्या वो चार्जिंग के लिए कुछ देंगे ना, पावर बैंक भी तभी देंगे जब आपका कोई फंक्शनल होगा वो ना आगे सिस्टम। जब भी मुझे कोई कहता है कि हाउ टू लव आवर सेल्फ, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर जितना बड़ा आपका मसला है और जिसपे आपकी इतनी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और आप अपने आप को बता रहे मेरा दिल नहीं चाह रहा, अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई अपना मसला बताए और ऐसा ही मसला बताए तो आप उसे क्या कहेंगी? अक्सर फिर लोग सोचने के बाद वही बात कहते हैं जो मैं उनको ऑलरेडी कह रही होती हूँ। जैसे मैं आपसे अगर पूछूँ कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हु कम्स अप टू यू एंड सेज कि जी मेरे हस्बैंड मेरे खाने की तारीफ कर देते हैं लेकिन मेरी शक्ल की और बाकी बातों की तारीफ नहीं करते, या मैं जब ड्रेसअप होती हूँ नहीं करते, तो दैट इज़ वाई आई डोंट फील लाइक ड्रेसिंग अप, तो आप उसे क्या कहेंगी? पहली बात तो ये, आप उसे यही कहेंगी कि तुम उसको इंजॉय करना शुरू करो, या आप उसे ये कहेंगी कि वाई डोंट यू टॉक टू हिम वंस। तो ये होता है सेल्फ लव, के जो हम किसी अपने प्यारे को अच्छी एडवाइस देते हैं और उसको थोड़ा सा वैलिडेट करते हैं हम अपने आप को वो करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग सोलो काउंसलिंग में होते हैं ना उनको फ़ायदा नहीं होता। जैसे आपको अगर अपने हस्बैंड के साथ चैलेंज है, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काउंसलिंग में जाएं ताकि उनके एंड का भी पर्सपेक्टिव आप समझें। फिर कई दफ़ा ख्वातीन ये कहती हैं कि माई हस्बैंड विल नेवर कम फॉर काउंसलिंग। आप उनको जाके ये बताएं कि मैं क्योंकि कुछ स्किल सीख रही हूँ, मेरी भी एक्सपर्ट हैं वो आपसे जानना चाह जा रही हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है या आपको क्या गैप्स नज़र आ रहे हैं, वो वन साइडेड बात सुनकर फैसला नहीं करना चाह रही। इसके अलावा ये भी है कि अगर आपकी ऐसी नीड होती है तो आपको वोकल होना पड़ता है और आपको कई दफ़ा कुछ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना अगर मर्द अपनी बीवी की डायरेक्टली तारीफ करता है तो उसको कोई अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता कि ये बीवी की तारीफ क्यों कर रहा है, ये बीवी के नीचे लग गया है, तो वो फिर हमारी मर्दानगी के खिलाफ ये बात समझी जाती है। आपको फिर उनको वो भी सिखाना पड़ता है। हम कई दफ़ा चाह रहे होते हैं और जब हम सिखाने पे आते हैं और अब वो तारीफ करें तो आप कहते हैं क्या फ़ायदा हुआ, मैंने ही आपको बताया तो आपने तारीफ की, क्योंकि आज आप उन्हें सिखाएंगी फिर टाइम आएगा ही विल गेट यूज टू प्रेजिंग दैट। फिर आपको उनके घर के माहौल को भी देखना होता है कि अगर उनके घर के माहौल में इस तरह की तारीफ करना आदत ही नहीं है, करता ही कोई नहीं है, उसने नहीं सीखा हुआ, तो जाहिर है फिर वो आपको भी नहीं दे पाएगा ना। मुझे ख्याल आ रहा था कि हम थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि हमें कोई अंडरस्टैंड करे लेकिन हम दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करते. होता ये है कि हम सोचते हैं कि हम हर किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, हमें कोई नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमसे भी सीखने में भूल चूक हो जाती है. मर्दों और औरतों के जितने भी इश्यूज आते हैं उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि मर्दों और औरतों की थोड़ी सी चीज़ों में फ़र्क होता है. उसके बारे में अगर आप देखें, जब भी मियाँ बीवी के मसले सुलझाने आपको पड़े तो आप पहले ये समझें कि मर्द फंक्शन कैसे करते हैं, फिर औरतें कैसे करती हैं.
औरतों के बारे में कहा जाता है कि उनकी लव लैंग्वेज लफ्स है, वो बोल देती हैं और वो लव सुनना भी चाहती हैं। लेकिन मर्दों की लव लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि वर्ड्स हो, वो अपनी मोहब्बत का इजहार और तरीकों से कर देते हैं। मतलब आज चीज बहुत अच्छी लग रही थी तो वो उसको कहीं खाने पे घुमाने ले जाएंगे या फिर उसका हाथ पकड़ लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि मर्द किस तरह काम करते हैं। हमारी जो एग्रेसिव किस्म की फेमिनिस्ट अप्रोच आ रही है ना हमारी ख्वातीन में, उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि वो हर चीज अपनी कंडीशंस पे चाहती हैं। वो बाप वो चाहती हैं जो एक फेमिनिस्ट माइंड का बाप हो, वो उनको शोहर भी फेमिनिस्ट माइंड का चाहिए, उनको भाई भी फेमिनिस्ट माइंड का चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मीडिया, हमारा खासतौर पर पाकिस्तानी ड्रामा जो इंतहाई चीप बोला जा रहा है, जो चीज़ें सिखा रहा है मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में, वो बड़े खौफनाक हैं कि कैसे एक बिल्कुल गलत सोच बताई जा रही होती है और दूसरे यानी शौहर को समझना ही नहीं है, वो तो इंसान नहीं है, उसको समझने की कोशिश नहीं करनी। तो ये वाली चीज़ हमें चाहिए कि जब हम शिकवा कर रहे होते हैं कि मुझे किसी ने समझा, उस टाइम हम ये भी सोचेंगे कहीं मैंने तो समझने में सामने वाले को गलती नहीं की। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ रिजॉल्व हो जाती हैं। एक दाई हैं जो मदीना यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा कि अगर औरतों को मोहब्बत चाहिए वो मर्दों की इज्जत करें। कहते मैं आपको सिंपल साफ लफ्जों में बता रहा हूँ, आदमी को कोई बहुत हसीन खातून नहीं चाहिए होती। कॉमन परसेप्शन यही है कि मर्द हुसन की वजह से शादी करते हैं, तो उनको जरूरी नहीं है कि हुसन अट्रैक्ट करे, लेकिन उनको इज्जत जरूर अट्रैक्ट करती है, तो रिस्पेक्ट उनको देना। और फेमिनिज्म आपको इससे बिल्कुल उलट मंजर दिखा रहा है कि बीवी शौहर पे चीख रही है, चिल्ला रही है और वो ढीठ बना फिर भी हंस रहा है, और वो कह रहा है कि तुम तो मेरे दिल की मलका हो। तो ये हो नहीं सकता। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनको हमें अनलर्न करने की जरूरत है। जी, एक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लगे कि आप ही शायद ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो क्या ये हकीकत है? फीमेल्स वैसे ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और मेल्स जो होते हैं ना, वो उनके अंदर यूजुअली वो उनका स्टाइल डिफरेंट होता है। एक बड़ी मशहूर किताब है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें वो कहते हैं कि मेन आर मिस्टर फिक्स। आप उनके सामने कोई मसला बयान करें तो ख्वातीन, क्योंकि इमोशनल होती हैं, वो चाह रही होती हैं कि वो उनको वैलिडेट करें, लेकिन मर्द हजरात क्या कर रहे होते हैं उस वक्त के, वो वैलिडेट करने के बजाय उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आपको मेरी बात नहीं समझ आती। तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से ख्वातीन में एक इमोशनल एलिमेंट रखा है, क्योंकि वो माँ है, वो बहन है, उसने अंदर से वो सीमेंट करना है रिलेशनशिप को, जेल करना है ना, उसके लिए ये इमोशनैलिटी ज़रूरी है। अगर वो भी मर्द की तरह हो जाएगी तो वो फिर बहुत से घर के मामलात को नहीं समेट सकेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ही टची हो रहे हैं, बात बात पे फट पड़ते हैं, तो दैट मीन्स कि आपको फिर इमोशनल अपनी जो स्टेबिलिटी है अपने अंदर, या इमोशनल रेगुलेशन है, उस पर काम करना होगा। कोई आपसे कहे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो उसकी मदद कहाँ से शुरू करें? एक तो उसको हौसला दें, उसको वैलिडेट करें, उसको कहें हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसी मुश्किल आती हैं कि इंसान के अंदर ये मसाइल बढ़ जाते हैं, दैट्स ओके, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प। और जब वो इंसान आपसे पूछे कि किससे हेल्प लूँ, तो उसको एक तो वही बात है कि किसी काउंसलिंग सर्विस की तरफ भी रेफ़र करें, और फिर वो कहे कि अभी मैं फ़ौरन नहीं जा सकता, तो फिर आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रेफ़र करें। मसलन आप उनको बताएं कि आप पानी ज़्यादा पिएं दिन में, इसी तरह आप उनको बताएं कि हेल्दी ईटिंग करें, थोड़ी वॉक करें। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं। प्लस उनको बताएं कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन जाके डिप्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू करें, अपने आप को एजुकेट करें कि इस मसले में होता क्या है और उसका सलूशन क्या है। तो जब वो यही काम थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे, तो वहीं से फिर उनको समझ आएगी कि इसके लिए मुझे प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये लिख रही हैं कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई नो इन्स एंड आउट ऑफ सिम्टम्स, लेकिन पता नहीं मेंटल हेल्थ डील नहीं कर पाती शायद। आई एम ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर, और मैं आपको दावे से बताती हूँ कि हमें मेडिसिन पढ़ते हुए कभी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस उस तरह नहीं दी गई। मैं मेडिकल कॉलेज में जाती हूँ, मेडिकल स्टूडेंट से डील करती हूँ, हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं दी जाती। इस वक्त मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन को पढ़ रही हूँ, हमें लोगों से बात करने का तरीका नहीं सिखाया जाता, हमें पेशेंट्स की काउंसलिंग कैसे करनी है। आप देखें, बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स सिर्फ वैसे ही कोई मेडिसिन दे देते हैं, जबकि उनको क्लैरिटी से नज़र आ रहा होता है कि जो उनके पेशेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ का कोई चैलेंज है। बस एक जुमला बोला जाता है, खुश रहा करें,
साथ एक कोई मेडिसिन दे दी जाती है एनजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, और साथ दो तीन और सतही जुमले बोलकर खाया करें, पिया करें, एंजॉय किया करें लाइफ को। दिस इज नॉट द वे टू डील विद सच पीपल। तो हमने नहीं सीखा होता। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि हम मेंटल हेल्थ को हम सीख चुके हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इफ वी डू नॉट गेट सुसाइडल थॉट्स बट इन रिटर्न वी गेट एक्सट्रीम थॉट्स लाइक किलिंग समवन एल्स। अच्छा साथ जी, उन्होंने बात लिखी है, पहले मैं उस पर बात करूंगी जो उन्होंने कहा सॉरी फॉर अ स्टूपिड क्वेश्चन। नहीं, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। जब आपके जहन में एक सवाल आता है टॉपिक से रिलेटेड होता है और ऐसी कोई सोच आपके जहन में आती है तो उसको जरूर पूछना चाहिए, अच्छे अंदाज में पूछना चाहिए, अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं जी। सुसाइडल थॉट्स ना हो लेकिन किसी और को मारने के बारे में थॉट्स आए तो आप देखें कि वो भी तो एक हराम काम ही है ना। इसका मतलब है कि अगेन यू आर डीलिंग विद अ बिग चैलेंज, कि एक इंसान के साथ आपके या तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या कोई और आपको मसला चल रहा है, तो आपको उसको एनालाइज करना है और फिर अपना एक बाउंड्री सेटिंग करके आगे बढ़ना है, और फिर वो ये कि रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करके अगर हालात को ठीक कर सकते हैं करें, नहीं तो वही बात है कि उससे अलग हो जाएं, बजाय इसके कि आप कोई ऐसे काम की तरफ चले जाएं जो कि हराम नौयत का है। ये जो इन्होंने पूछा है कि अगर किसी को मार देने का दिल चाहे, तो देखिए हमारे माशरे में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार ये इस तरह के जुमले भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कत्ल कर दूंगी, या ये कि आज तो मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। मजाक में हम इस तरह के जुमले बोलते हैं। तो जिस तरह हम सुसाइड के लिए बोलते हैं कि मर जाओ, तुम्हारे अंदर इज्जत होती है तो मर जाती, बिल्कुल उसी तरीके से ये जुमले बोले जाते हैं कि ये आज मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। तो चूंकि हमारा एक माशरा वायलेंट है, बेशक हम हाथ से किसी को चूंटी को भी ना मारा हो हमने, लेकिन हम जुबान से बड़े सारे खतरनाक जुमले बोलते रहते हैं। उसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं मजाक के तौर पर। मजाक मजाक में आपने देखा होगा कजन्स की फाइट हो गई, स्कूल में बच्चों की फाइट हो गई, उन्होंने एक दूसरे के गले पे हाथ रखा और दबाने लग गए। हालांकि ये बड़े खतरनाक काम है। तो एक ऐसा माशरा जिसमें हम पहले वायलेंट माशरे में रह रहे हैं और वहां पे वायलेंस इतना दिखाया जा रहा है, ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, जो लड़की पसंद है उसे उठाकर ले जाओ, जबरदस्ती फोर्स मैरिजेस दिखाई जा रही हैं। मतलब हमें मोहब्बत और रोमांस के नाम पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो भी वायलेंस है। हमें पेरेंटिंग के नाम पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं कि माँ ने बच्चे को कैसे काबू किया, उसकी कैसे फोर्स मैरिज की, वो भी वायलेंस है। तो फिर हमारी जिंदगी में भी आ जाती है। लेकिन जो अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, जो ईमान रखता है, उसको जब ये समझ आ जाए कि मेरे मुआशरे में, मेरी फैमिली में चीजें वो वॉलेंट है, तो साथ में वो ये भी याद रखेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मुसलमान के जान माल और इज्जत की हुरमत ऐसे है जैसे काबा की हुरमत, जैसे जुलहज के महीने की हुरमत। तो इतनी मुकद्दस चीज के ऊपर आपने अटैक नहीं करना, आपने किसी को जुल्म का निशाना नहीं बनाना, आपने पहल नहीं करनी। दूसरे नंबर पे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखने की जरूरत है, जिसे फुकहा ने उसूल के तौर पर बयान किया। हर तरह के मामलात में, चाहे मदर्स हैं चाहे टीचर्स हैं, उन्होंने कहा ला ज़रर व ला ज़िरार, ना किसी को नुकसान पहुंचाना है ना किसी को इजाजत देनी है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। उसमें पहला काम यह कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा ये कि किसी ने आप किया होगा कि आपको उसको मार देने का दिल चाहता है, तो फिर बात वहीं पे आती है कि आपने उस पर हेल्प लेनी है कि ये जो हमें इतना तंग, हम किस तरह इनके चुंगल से बाहर आए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वायलेंट हैं और उनसे डील करते हुए इंसान को पसीने आ जाते हैं, लेकिन जब आप राइट एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उनसे मदद लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला वो मसले हल करने में आपको रास्ते दिखाते हैं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल दैट फ्यूचर फियर एंड आवर प्रेजेंट अनप्रोडक्टिविटी कैन लीड अस टूवर्ड्स सेल्फ ब्लेमिंग एंड सुसाइडल थॉट। जी बिल्कुल, जो फ्यूचर का फियर होता है वो आपको एनजाइटी देता है, और अगर आप पास्ट के बारे में रहते हैं परेशान तो वो आपको डिप्रेशन देता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन और फियर की एपिसोड्स ऑल्टरनेट करती हैं या बार बार आती हैं, और कुछ लोग जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो एंक्शस रहते हैं। जब आप एंक्शस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर आप प्रेजेंट में, जिसे हम कहते हैं लिव इन द मोमेंट, नहीं कर सकेंगे कि अभी जो करने वाले वाइटल बिहेवियर्स हैं, इम्पॉर्टेंट काम हैं, उनकी तरफ हम तवज्जो दें। और जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा, आप अपने आप को ब्लेम करेंगे, सेल्फ वर्थ आपकी लो होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, और ऐसे मौक़ों पर भी फिर सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। ऐसे मौक़ों पर भी इसीलिए आप देखें कि हमें जो हमारा दीन सिखाता है वो हमें बताता है कि खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत में रहना है।
यानी ना तो इतने न डर हो जाए हम के जी बस मैं तो मेरी तो माफ़ी हो गई है ना, मैं तो मुसलमान बख्शा बख्शाया उम्मती हूँ, ना ये कि हमने अपने आप को हर वक्त गुनाहगार समझते रहना है। ये इन दोनों कैफियात के दरमियान जब आप रहना सीखते हैं ना, तो तब आप फ्यूचर को और पास्ट को हैंडल करते हैं और प्रेजेंट में फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं। सिंपल सा असूल बना लें हम कि रोज़ हमने तमाम सुन्नतों पे अमल करना है, तो फिर आप देखें कि आपकी प्रेजेंट में तो प्रोडक्टिविटी आएगी आएगी ना, फिर आप अपने आप को किस चीज़ पे ब्लेम करेंगे। तो लेकिन जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात, या वही बात है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी।